विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डिपरापारा दुर्ग में नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। दुर्ग में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा राजऋषि भवन केलाबाड़ी द्वारा डिपरापारा दुर्ग में एक दिवसीय नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद पुष्पा वर्मा व डॉक्टर मान सिंह साहू अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन ने विभिन्न प्रकार के नशे के दुष्प्रभाव के विषय बताते हुए कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। मादक पदार्थों के प्रति निर्भरता या उसके ना होने पर शारीरिक व मानसिक पीड़ा होना ही व्यसन है। उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू के सेवन के कारण प्रतिवर्ष 80 लाख लोग कैंसर जैसे घातक बीमारियों के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए उपस्थित लोगों को प्रेरित करते हुए नशा मुक्त समाज बनाने के लिए शपथ दिलाई। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत सुंदर व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आप सभी अभी 10 से 15 मिनट का समय निकालकर हमारे सेवाधारी भाइयों और बहनों के द्वारा इस प्रदर्शनी को जरूर समझिएगा, है ना। पर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आज का दिन है तंबाकू मुक्ति दिवस, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि तंबाकू के सेवन से कहते साल भर में 80 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। और कहते 80 लाख की तो मृत्यु हो रही है, पर 12 लाख जो लोग हैं वो स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करते, पर वो तंबाकू का सेवन करने वालों के संग में आने से उनकी मृत्यु हो रही है। जैसे मान लो उसके धुएं से किसी को कैंसर हो रहा है, तो किसी को पेट का कैंसर, तो किसी को डायबिटीज, तो किसी को हार्ट डिजीज। तो ये सब बीमारियों का रीजन क्या है कि जो हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। पर आप एक बात समझ गए ना, 80 लाख तो स्वयं सेवन करने के कारण, और 12 लाख सेवन नहीं करते पर 80 लाख लोगों के संपर्क में सिर्फ आने के कारण। तो आवश्यकता है हम अपने आप को हर प्रकार के व्यसनों से दूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनवायरमेंट को ये जितने भी व्यसन है ये प्रदूषित कर रहे हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हमारा फर्ज है कि अपने आप को तो हम व्यसनों से दूर रखें, पर हम औरों को भी हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने में मदद करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।